दुनिया जहान में इस हफ्ते इसराइल में इतनी उथल पुथल क्यों मची है। स्वागत है आपका दुनिया जहान में, मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। पिछले साल 1 नवंबर को इसराइल में आम चुनाव हुए। 4 साल के भीतर 5वीं बार आम चुनाव हुआ। इस बार जनादेश मिला एक गठबंधन सरकार के लिए और इसराइल के 75 साल के इतिहास में ये सबसे अधिक दक्षिणपंथी व धार्मिक रुझान वाली सरकार थी। भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना कर रहे इसके नेता बिन्यामिन नेतन्याहू, जो राजनीतिक संकटों से उबरने में कई बार सफल रहे हैं, 6ठी बार प्रधानमंत्री का पद हासिल कर रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शनकारी इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में व्यापक बदलाव के प्रस्ताव और सार्वजनिक जीवन में धर्म को बड़ी भूमिका दिए जाने की योजना से नाराज थे। कई लोगों को लग रहा था कि इससे जनता के अधिकार सीमित हो जाएंगे। ये विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए और अधिक संगठित होते गए और फिर इन्हें अधिक आर्थिक मदद मिलती गई। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल में इतनी उथल पुथल क्यों मची है। पार्ट 1, दक्षिण पंथ की ओर झुकाव। इसराइल के लोकतंत्र में अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व होने की वजह से वहां सभी सरकारें गठबंधन से ही बनती हैं और अब तक ये सरकारें केंद्र से वामपंथ या दक्षिण पंथ की ओर झुकने वाले दलों के बीच समझौते के चलते बनती थी। लेकिन 1 नवंबर के चुनाव के बाद जनता ने एक अलग तरह का जनादेश दिया। इस बारे में हमारी पहली एक्सपर्ट टमार हरमन इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर है। वो कहती है कि इस जनादेश ने वामपंथ को कमजोर किया और दक्षिण पंथ को मजबूत किया। वो कहती है कि चुनाव में 2 अतिरूढ़वादी पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन और 2 दक्षिणपंथी दलों के 14 सीटों पर जीत हासिल करने से पिछली सरकारों की तुलना में अधिक मेल जोल वाली विचारधारा की सरकार बनी। And this is why they actually started... पिछली सरकारें वैचारिक मतभेद के चलते इस तरह के कदम उठाने से हिचकिचाती थी, लेकिन इस गठबंधन के सदस्यों की सोच एक जैसी है और उन्हें चुनाव में पराजित हो चुके विपक्षी दलों की ओर से इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों की उम्मीद नहीं थी। तो विपक्षी तबके के इतने शक्तिशाली विरोध प्रदर्शनों का कारण क्या था? दक्षिणपंथी दल सुप्रीम कोर्ट को एक उदारवादी संस्था की तरह देखती है और वो इसराइल की संसद को कोर्ट के फैसले बदलने का अधिकार देना चाहती है, साथ ही न्यायपालिका की नियुक्तियों के अधिकार सरकार को सौंपना चाहती है। In essence, what the government tried to do... सरकार की कोशिश थी कि लोकतंत्र का बस एक ही अंग रहे। संसद पहले ही सरकार के मुकाबले कमजोर थी और अब वो न्यायपालिका को भी इतना कमजोर करना चाहते हैं कि वो किसी भी बात का विरोध ना कर पाए। विरोध प्रदर्शनों के स्तर को देखते हुए इन फैसलों को स्थगित कर दिया गया। रक्षा मंत्री को इस योजना का विरोध करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया, मगर फिर उन्हें दोबारा बहाल करना पड़ा। इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने भी इन बदलावों का विरोध करते हुए बिन्यामिन नेतन्याहू पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया, क्योंकि वो न्यायपालिका में तब बदलाव करना चाहते थे जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। इसकी वजह से अलग अलग किस्म के तबके विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गए। इसमें केवल विपक्षी दल ही नहीं बल्कि आम लोग, रिजर्व सैनिक और वायुसेना के पायलट भी शामिल हो गए। सरकार को ऐसे जोरदार विरोध की अपेक्षा नहीं थी। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों को रोका नहीं गया, मगर प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों की विश्वसनीयता को खारिज करने की कोशिश जरूर की। नेतन्याहू ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और अराजक दिखाने की कोशिश की जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो ये न्यायिक सुधार देश की आर्थिक स्थिरता और तरक्की के लिए ला रहे हैं और अगर देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो वो सरकार की वजह से नहीं बल्कि इन प्रदर्शनकारियों की वजह से होगी जिन्हें इन सुधारों का अर्थ समझ नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि क्या इस बार इसराइल के सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी नेतन्याहू ने वो चाल चल दी है जिसके परिणामों को वो संभाल नहीं पाएंगे
और क्या ये सबसे लंबे समय तक इसराइल के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले बिन्यामिन नेतन्याहू के राजनीतिक करियर का ये अंत हो सकता है? पार्ट टू, द ग्रेट सर्वाइवर। बिन्यामिन नेतन्याहू लगभग 30 सालों से इसराइल की राजनीति पर दबदबा बनाए हुए हैं, मगर पत्रकार एंशल फेफर, जिन्होंने नेतन्याहू की जीवनी लिखी है, वो कहते हैं कि जब नेतन्याहू 2021 में सत्ता से बाहर हुए थे, तब ज्यादातर लोगों को नहीं लगा था कि वो दोबारा कभी सत्ता में लौट पाएंगे, खासतौर पर जब उनके खिलाफ अदालत में भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। उनके खिलाफ दो मुकदमे चल रहे हैं और आरोप है कि उन्होंने प्रमुख इसराइली समाचार चैनलों के साथ मिलकर साजिश की और अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कवरेज करवाई और बदले में उन चैनलों को नियंत्रण संबंधी मामलों में मदद की। और एक तीसरा केस भी है जिसमें उन पर अमीर लोगों से 2.5 लाख पाउंड से अधिक कीमत के गैर कानूनी तोहफे लेने के आरोप हैं। इनमें ज्यादातर उनकी पत्नी के लिए गहने और महंगी शराब शामिल है। बिन्यामिन नेतन्याहू इन आरोपों का खंडन करते हैं। भ्रष्टाचार के मुकदमों के जारी रहने के बावजूद वो सत्ता में लौट आए हैं, मगर अब उनके विकल्प सीमित जरूर हो गए हैं। एंशल फेफर कहते हैं कि पहले जिन दक्षिणपंथी रुझान रखने वाले उदारवादी दलों या वामपंथ से मध्य की ओर झुकने वाले दलों के साथ वो गठबंधन स्थापित करके वो सरकार बना सकते थे, अब उनमें से कई दल नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमों की वजह से उनके साथ सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं दिखते। इसलिए अति रूढ़वादी दलों के साथ गठबंधन करने और उनके एजेंडे पर चलने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। विगत काल में नेतन्याहू गठबंधन बनाने में बहुत कुशल रहे हैं और जब गठबंधन के कुछ दलों की ओर से अतिवादी मांग उठती थी तो वो उन्हें समझा पाते थे कि हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, इसलिए हम वो सब नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। लेकिन इस गठबंधन में शामिल अधिकांश दलों की विचारधारा अतिवादी है और एक दूसरे से मेल खाती है, इसलिए नीति संबंधी उनकी मांगों को ठुकराना नेतन्याहू के लिए इस बार मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में बदलाव के फैसले से खुद नेतन्याहू सहमत हों या वो उन पर गठबंधन के दूसरे दलों द्वारा थोपे गए हों, एक बात तो साफ है कि उन्हें इतने व्यापक और शक्तिशाली विरोध की अपेक्षा नहीं थी। विरोध प्रदर्शनों के इस स्तर से इसराइल की सरकार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चौंक गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि नेतन्याहू ने इसराइली जनता को अपनी बात समझाने की पुरजोर कोशिश की हो, ऐसा नहीं दिखता। हम नेतन्याहू को इतने साल से देख रहे हैं और अपना संदेश लोगों तक पहुँचाने में उन्हें महारत हासिल थी। जनता की नब्ज पर उनकी अच्छी पकड़ रहती है, लेकिन इस बार उनका खास कोशिश नहीं करना कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। इसकी वजह बताते हुए एंशल फेफर कहते हैं कि हो सकता है कि नेतन्याहू खुद ये फैसले न चाहते हों। दूसरी बात ये कि नेतन्याहू सुरक्षा नीति, कूटनीति और आर्थिक नीति संबंधी मामलों को वो बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन न्यायिक मामलों की पेचीदगी के साथ वो पहली बार निपट रहे हैं। लेकिन सुरक्षा का मुद्दा हमेशा ही इसराइली राजनीति पर हावी रहा है और इस बार भी वो पीछे नहीं छूटा है। पार्ट थ्री, फलस्तीनी मुद्दा। इसराइल और फलस्तीन के बीच समझौता वार्ताएं कई सालों से ठप हैं। दोनों पक्षों के बीच समाधान के तौर पर दो अलग देश की मान्यता का विकल्प अब जैसे इतिहास में खो चुके सपने जैसा दिख रहा है। वहीं यरूशलम के पवित्र धार्मिक स्थलों को लेकर हिंसा बढ़ती गई है। अब नई रूढ़िवादी दक्षिणपंथी सरकार की इसे लेकर क्या योजना है, इस बारे में बीबीसी ने बात की लंदन स्थित नीति निर्माण संबंधी संस्था चैटम हाउस में मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ और शोधकर्ता प्रोफेसर योसी मैकेलबर्ग से। फिलहाल तो सरकार का पूरा ध्यान 1 करोड़ इसराइली जनता की ओर है जो सुप्रीम कोर्ट में बदलाव के प्रस्ताव को लोकतंत्र विरोधी मानती है और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। मगर जहां तक दक्षिणपंथी कट्टरवादी सरकार की नीतियों का संबंध है, वो फलस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों का विस्तार करना चाहेगी और दूर के इलाके में बनी जिन इसराइली बस्तियों को इसराइली सरकार भी गैर कानूनी मानती रही है, उन्हें कानूनी मान्यता देना चाहेगी। साथ ही वो पूरे पश्चिम तट
या उसके बड़े हिस्से का इसराइल में विलय करना चाहेगी। लेकिन क्या फलस्तीन के मुद्दे का इसराइली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित बदलाव से कोई लेना देना है? वो फलस्तीन को कमजोर करना चाहते हैं और सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक बाधा है। वो इसराइल ही नहीं बल्कि फलस्तीन में जो भी करना चाहते हैं वो मामले सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों में फंस जाते हैं। चंद हफ्तों में उन्होंने 144 से ज्यादा कानून पारित कर दिए, मगर उन्हें जनता से इतने बड़े विरोध की अपेक्षा नहीं थी। हो सकता है कि वो गजा और पश्चिम तट में घुसना चाहते हों, लेकिन वो ये जारी नहीं रख पाए। प्रोफेसर मैकेलबर्ग का मानना है कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से गठबंधन सरकार के लिए गजा और पश्चिमी तट में कार्रवाई करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सेना के रिजर्व फोर्स यानी आरक्षित बलों का एक बड़ा तबका विरोध प्रदर्शनों में शामिल है। हालांकि फिलहाल प्रदर्शनकारियों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के बदलावों पर केंद्रित है और वो फलस्तीन के मुद्दे के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन फलस्तीनियों में ये अनिश्चितता जरूर है कि इसराइल में जारी इस गतिरोध के खत्म होने के बाद क्या होगा। फलस्तीनी लोग सोचते हैं कि फिलहाल तो उन्हें मौजूदा इसराइली सरकार से खास खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये सरकार मौजूदा संकट से उबर गई, तो वो फलस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों का विस्तार करेगी, जिसका मतलब ये है कि हिंसा और होगी और टू नेशन सॉल्यूशन यानी दो अलग राष्ट्रों की मान्यता की संभावना अगर अभी भी बची है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्हें ये भी लगता है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, मगर ज्यादातर फलस्तीनी मानते हैं कि इसराइल में कोई भी सरकार आए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसराइल और फलस्तीन के बीच वार्ताओं के लिए कई सालों से कोई खास कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जब दोनों के बीच हिंसा बढ़ जाती है तो वो बस उसे नियंत्रित करने या कम करने की कोशिश तक अपनी भूमिका को सीमित रखते हैं। प्रोफेसर मैकेलबर्ग कहते हैं कि अमरीका व यूरोपीय संघ इसराइल व फलस्तीन के बीच समस्या के समाधान का कोई हल निकलता नहीं देख रहे, इसलिए उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच रखे हैं। पर इसराइल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और उथल पुथल को वो गंभीरता से ले रहे हैं। दुनिया में जहां कई गठबंधन बन और बिगड़ रहे हैं, वहां सभी को मध्य पूर्व की राजनीति पर नए तरीके से सोचने की जरूरत महसूस हो रही है। पार्ट 4, बदलते गठजोड़। इसराइल में ये उथल पुथल उस वक्त हो रही है जब क्षेत्र में उसकी स्थिति कुछ नाजुक है। एक ओर जहां अरब देशों के साथ इसराइल के रिश्ते सुधर रहे हैं और सामान्य होने लगे हैं, वहीं क्षेत्र में नए गठबंधन उभर रहे हैं। हमारे अगले एक्सपर्ट ह्यू लावेट, जो यूरोपीय संघ के विदेश संबंध परिषद में शोध करता है, वो कहते हैं कि मौजूदा संकट की वजह से कई देश जो इसराइल के प्रबल समर्थक थे अब उसकी आलोचना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो पश्चिमी देश पहले इसराइल का पुरजोर समर्थन करते थे, वहां अब इसराइल की न्यायपालिका में बदलाव की कोशिशों को लेकर चिंता फैल रही है। मिसाल के तौर पर अमेरिका फलस्तीन के मुद्दे पर इसराइल की खुलकर आलोचना करने से बचता था, लेकिन अब मौजूदा स्थिति को एक ऐसे संवैधानिक संकट के रूप में देखा जा रहा है जिससे इसराइल में लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, और इसलिए इसराइल का समर्थन करने वाले देश भी उसकी खुलकर आलोचना कर रहे हैं। सिर्फ इसराइल के सहयोगी देश ही चिंतित नहीं है, बल्कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जो हाल के समय में इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे, उनका रुख भी इसराइल की भीतरी उथल पुथल से प्रभावित हो सकता है, खासतौर से इसराइल की उस विदेश नीति से जिसका उन पर असर पड़ता है। गजा और वेस्ट बैंक में हिंसा को लेकर इसराइल जिस तरह फलस्तीन के मामले में कड़ा रवैया अपना रहा है, और खासतौर पर हरम अल शरीफ जहां अलक्सा मस्जिद स्थित है, वहां इसराइल की कार्यवाही से उन पर असर पड़ा है। पिछले कुछ हफ्ते में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिसमें रमजान के दौरान इसराइली सुरक्षा बल अलक्सा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे मुसलमानों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करते दिख रहे थे। अरब देशों की राजधानियों में इसे पचा पाना मुश्किल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाए रखना इसराइल की विदेश नीति का एक मुख्य लक्ष्य रहा है, जिसके लिए उसे अमेरिका को अपनी ओर रखना जरूरी है। If you're sitting in Washington, अमेरिका में इसराइल की अंदरूनी स्थिति पर चिंता है, मगर साथ ही इस नेतन्याहू के प्रति गुस्सा है कि उन्होंने कैसे हालात को इतना बिगड़ने दिया कि अब अमेरिका के लिए उसके साथ मिलकर फलस्तीनी समस्या का हल निकालना या ईरान से निपटना मुश्किल हो गया है।
अब लौटते हैं अपने प्रश्न पर कि इसराइल में उथल पुथल क्यों है। सीधा जवाब तो यह है कि लोग वहां न्यायपालिका की कार्य प्रणाली में बदलाव के प्रस्ताव से नाराज हैं। दूसरे, इसके मूल में उन मूल्यों को लेकर संघर्ष भी है जो हमारे समाज को संचालित करते हैं। प्रशासन में धर्म की भूमिका और लोकतंत्र में नियंत्रण के तौर तरीकों को लेकर मतभेद है, वो भी उस समय जब क्षेत्र में गठजोड़ के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, जिस पर सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। मगर क्या इससे इसराइल में लोकतंत्र को खतरा है? हमारी एक्सपर्ट तमार हरमन को लगता है कि ये संकट चिंता का विषय तो है, लेकिन फिलहाल इसराइल में लोकतंत्र की नींव मजबूत है, पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है।